सोच ईमानदार काम दमदार, यूपी मांगे फिर भाजपा सरकार को लेकर के आज जो थीम सॉन्ग जो है वो जारी किया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी है सर। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के कारण अब ज़्यादातर चुनाव वर्चुअल चलेगा। तो वर्चुअल चलने में एक आम आदमी, जो गरीब से गरीब आदमी झोंपड़ी में बैठा हुआ आदमी है, उस तक हम अपनी बात पहुंचा सकें, उसका सशक्त माध्यम है ये थीम सॉन्ग। और इस थीम सॉन्ग से हम जो जनता से कहना चाह रहे हैं वो एक साधारण भाषा में, एक इंटरेस्टेड भाषा में उस तक पहुँचाने का काम होगा थीम सॉन्ग के माध्यम से। वर्चुअल रैली की बात की जाए तो वर्चुअल कई ग्रामीण इलाकों में उस तरह से जो है संसाधन नहीं मौजूद है, तो कैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे? संसाधन इकट्ठा करने का, संसाधन की व्यवस्था करने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं का है। भाजपा का कार्यकर्ता पूरी ताकत से आम जनता तक इस परिस्थिति में पहुंचने में भाजपा के नेतृत्व के साथ खड़ा है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से मिली थी, पैछुआ शिवालिया, क्या माना जाए, क्या बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह जी परिवार के मुखिया हैं, स्वाभाविक है पुत्र पुत्रवधू भतीजा पोता अगर अपने बाबा के चाचा के ससुर के पैर छुएगा तो आशीर्वाद ही देगा, उसके अलावा और क्या देगा, इसके कोई और अर्थ निकालना उचित नहीं मानता मैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो है गोरखपुर से जहां योगी जी लड़ने जा रहे हैं उसको लेकर के ऐलान कर दिया है कि वही गोरखपुर सदर सीट से ही चंद्रशेखर भी लड़ेंगे, कितनी दावेदारी? हम उनका स्वागत करते हैं। अगर अब कोई जानबूझकर आने के नीचे गर्दन देने को तैयार हो तो हमें आपत्ति काहे की भाई। आपके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से आज बीजेपी ने आगाज किया है सॉन्ग थीम का, जो आगाज हो गया है कि सोच ईमानदार काम दमदार, यूपी मांगे फिर भाजपा सरकार। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ संजीव सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।